लिरिक्स वहीं पे तो है इस वेट करना पड़ेगा ना वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस कैसे आप लोग, होपर था लोग बहुत बढ़िया है, मस्त है, अपन भी एकदम मस्त। सो गाइस फाइनली आज मैं निकलने वाला हूँ अपना पुराना कॉलेज जहाँ पे मैं पढ़ता था, सुकांत महाविद्यालय। वहाँ पे चल रहा है कॉलेज प्रोग्राम फ्रेशर से आज शायद, सो इसी की वजह से मैं भी सोचा यार थोड़ा सा घूम के आओ, सबसे मिल के आओ, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है हम लोग नहीं मिले यार। कुछ कुछ भाई लोगों के साथ तो मुलाकात हो ही जाता है, लेकिन खुद कोई से मुलाकात नहीं हो पाता। सो वैसे तो मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है यार, क्या ही करूँ। मेरे को जाना था 1 बजे, लेकिन मैं अभी निकल रहा हूँ 3 बजे, क्या ही कर सकते, लेट हो गया। क्योंकि आप लोगों के लिए एक ब्लॉग अपलोड भी कर रहा था, मैं एडिट भी कर रहा था, कर लिया अपना जूबी को, चलते फिर मोटो ब्लॉग सेटअप। सो बॉयस मिल चुका है हाईवे एंड पढ़ने वाला है मुझको बहुत सारा गाली। गाइस मेरा पहुँचने का बात था 1 बजे, अभी 3:30 बज चुका है, फिर भी मैं यार नहीं पहुँचा। इतना ज्यादा आलसी घुस चुका है ना भाई लोग मेरे अंदर। रात को यार एडिट करने के लिए सोचता हूँ, एडिट करते करते कब सो जाता हूँ मेरे को खुद को भी मालूम नहीं है। सो दिन में यार एडिट करना पड़ता है, दिन में काम भी रहता है, काम एडिट करते करते भाई टाइम ही नहीं रहता मेरे पास। बहुत दिनों के बाद फाइनली धूपगुड़ी का दर्शन हो रहा है। अरे अरे साइकिल वाला अंकल जी, यार आधा रास्ता पार हो ही गए तो पूरा पार होके चलाओ ना। आई थिंक बहुत सारे लोग तो यार अब तक जा चुका है घर। गाइस वो बोलते हैं ना घंटों का रास्ता मिनटों में, ये भी कुछ वैसा ही कर रहा हूँ अभी। मेरे को लगता है 1 घंटा आने के लिए, लेकिन मैं 45 मिनट में पहुंचा देता हूँ। भाई लोग इसमें रिक्स भी है, लेकिन जहाँ पे है रिक्स वहीं पे तो है इस लग गया यार। प्रोग्राम भी जोरों शोरों से चल रहा है। तो गाइस फाइनली बहुत दिनों के बाद कॉलेज का दर्शन, इतना ज्यादा लोग हुआ है यार कॉलेज प्रोग्राम पे। देखिए बाइक इधर पूरा फुल हो चुका है, एंड इस साइड भी पूरा गाड़ी फुल, बाइक फुल, रस्ते में भाई। A few moments later. तो भाई फाइनली अपन एंटर हो चुके हैं कॉलेज पे, एंड इधर भास्कर भाई के साथ बोला भाई गुलाब भाई, चलो एंजॉय करो। भाई लोग कहाँ से आ जा रहा है यार, लेकिन क्राउड चेक कर रहे हैं हम लोग। बहुत दिनों के बाद ऐसा खतरनाक प्रोग्राम हो रहा है, तो क्राउड तो होगा ही। जो स्टेचू था पहले, अभी तो मस्त वाला बना के रखा है, पहले बस एक स्टेचू था, लेकिन अभी चारों ओर पूरा सजा के रखा है। क्राउड भाई एक्सट्रीम है, सभी नाचने के लिए आया है। एंड हमारे दोस्त लोग यार उनका थोड़ा ज़्यादा दूर है घर, तो वो लोग जा रहे हैं घर, तो उनसे मिल के आते हैं पहले, अगर मिल पाए तो सही है। उनसे मिल के यार अलविदा कह के उसके बाद फिर से वापस आएंगे प्रोग्राम की। तो बॉयस आए थे प्रोग्राम से, एंड फाइनली ये दोस्त लोग, ये लोग घर जाने वाला है, का घर बहुत दूर है, तो इसी की वजह से ये बोल रहा है घर जाएगा। कितने बजे आया था? 1 बजे आया, तो मेरा भी आने का बात था 1 बजे, लेकिन 3:30 हो जाए। अच्छा, एंड बाकी के लोगों के साथ तो मुलाकात नहीं हुआ अभी तक, तो धीरे धीरे से मुलाकात होएगा। अमित भाई अकेले घूमते हुए, बेचारा लड़का यार हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होंगे कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होंगी, मतलब यह होंगे कि इन्होंने तकलीफा ना डील करना होंगे। लॉलीपॉप लगाया था भाई, क्या खतरनाक डांस दे रहा है सभी को यार। एंड अभी थोड़ा सा म्यूजिक बंद हुआ है, इतना सारा लोग डांस कर रहा है यहाँ पे, देखते क्या खतरनाक लग रहा है भाई। आ चुके स्टेज के सामने, अभी गाना करने देते हैं, उसके बाद आप लोग चेक करना भाई, डांस चेक करना आप लोग बस। हम पीछे अभी भाई तो कुछ अलग ही सीन लग रहा है भाई, इतना हरियाली हर जगह, इतना हरियाली। मजा नहीं आ रहा है, रुको जरा सबर करो। Thank you.
खत्म हो चुका है यार, सभी घर की ओर। व्हाट इज गोइंग ऑन, यहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ किसके लिए भाई, इतना सारा लोग एक साथ बाहर निकल रहे, सो उसी की वजह से यहाँ पे रश लगा पड़ा हुआ है। हम तो सोचे कुछ और, एंड बाकी स्टेज का झमेला भी सॉल्व हो चुका है। मैं अभी वो स्टेचू के सामने जाऊंगा, वहाँ पे एक थंबनेल क्लिक कराऊंगा एंड उसके बाद बाहर निकलते हैं यार। अभी तो बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो उसी के वजह से हम लोग सोचे थोड़ा सा यार लेट करके चलते हैं ताकि थोड़ा सा क्राउड खाली हो जाए एंड उसके बाद हम भी फ्री से निकल रहे। फाइनली हम लोग निकल रहे हैं एंड अपना जो भी रास्ते में पार्क किया हुआ है क्योंकि वो स्टार्ट हो नहीं रहा था एंड अभी इतना ज़्यादा रश के बीचों बीच से हम लोग रहे हैं, वो भी ट्रिपल लोडिंग करके भाई, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। इस रास्ते में है अनएक्सेप्टेड जाम, मेरा जो भी हाल क्या हुआ पता नहीं, मैं बाहर पार्क करके रखा था। तो भाई साहब यहाँ पे तो बहुत ज्यादा रश लग रहा है, पता नहीं सही सलामत रहने से तो हो ही जाएगा एंड ऊपर से स्टार्ट भी नहीं हो रहा है भाई, यही बहुत बड़ा दिक्कत है मेरे लिए। तो देखता हूँ यार, कुछ अलग ही भीड़ लगा हुआ है। बॉय फाइनली पहुंच चुका हूँ जहाँ पे अपन ने पार्क किया था एंड अभी देखूंगा स्टार्ट करके होता है कि नहीं होता एंड ऊपर से भाई रास्ते में इतना ज़्यादा जाम, तो थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा निकलने के लिए क्योंकि ये जाम पे हम लोग निकाल नहीं सकते। सो कर लेते यार वेट, है ना भाई। भाई वेट करना पड़ेगा ना। हो चुका था अपना जो भी स्टार्ट एंड अभी निकल रहे हैं भाई जैसे तैसे। तो गाइस आए थे कैफे पे, टपरी कैफे, लेकिन ये भी फुल है। इसके सामने ही और एक नया कैफे है तो इस पे देखते हैं क्या हाल। ओ भाई साहब इसमें भी पूरा बुकिंग है जी। A few inches later, होटल हाईवे इन, चलते हैं अंदर। बॉयस अंदर आ चुके हैं एंड अपन लोग ले लिए हैं नान, और ये क्या है भाई, एक तड़का तड़का। सो चलिए फिर चालू कर देते हैं खाना एंड खा के मिलेंगे। तो गाइस फाइनली हमारा खाना पीना सब कुछ खत्म हो चुका है एंड हम अभी निकल रहे हैं हाईवे इन से। सो इधर है अमित भाई एंड भास्कर भाई, सो निकलते यार यहाँ से। तो फैमिली टाइप से नेक्स्ट किसी और एक ब्लॉग पे, तब तक लेते यार एंड खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।